तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल वी की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि वेजिटा के प्लैनेट सड़ाले पर जाने के बाद क्या होता है। ड्रैगन बॉल वी के क्रिएटर्स हैं जॉर्डन डुरहम और ब्लैकबर्ड स्टूडियोज, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम 100K तक बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वहां तक पहुंचने में चैनल की मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। वेजिटा सैयन से बोलता है कि वो कोई हीरो नहीं है और ना ही वो हीरो बनना चाहता है। वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो उन्हें सिखा सके और उनकी मदद कर सके, ताकि वो सभी सैयन अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें। वेजिटा बोलता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने इस यूनिवर्स को रिस्टोर करने का वादा किया था। वो मैंने इसलिए किया था ताकि मैं इस प्लैनेट को खुद अपनी आंखों से देख सकूं। और मैं तुम सबको कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ उस चीज़ को सीरियसली लेना। तुम में से कुछ लोगों से मैं ऑलरेडी लड़ चुका हूँ और सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं ऐसे ऐसे खतरों का सामना कर चुका हूँ जो लोग तुम्हें बड़े आराम से हरा सकते हैं और कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक सैयन बोलता है, मिस्टर वेजिटा, मुझे लगता है कि आप अपने यूनिवर्स में एक बहुत ही महान हीरो होंगे। वेजिटा इस बात पर स्माइल करता है। वेजिटा बोलता है कि कावा ने मुझे बताया कि तुम एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना कर रहे हो जिसका नाम है स्पेस पायरेट्स। हमारे यूनिवर्स में मैं एक राजकुमार था और हमारे एम्पायर का काम था कि हम प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करें और उन्हें बेच दें। ये बात सुनकर सभी के सभी सैयंस हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में सैयंस स्पेस पायरेट्स का सामना कर रहे हैं और यूनिवर्स 7 में सैयंस खुद स्पेस पायरेट्स थे। वेजिटा बोलता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारे यूनिवर्स में हम ही लोगों ने टफल्स के प्लैनेट का खात्मा कर दिया था और उस प्लैनेट को अपना बना लिया था। सैयंस को वेजिटा की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि वेजिटा का यूनिवर्स उनके यूनिवर्स से बिल्कुल अलग था। वेजिटा अब सीरियस हो जाता है और बोलता है कि सच बताओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। तुम्हारे दुश्मनों के पास काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं और उस चीज़ का सामना वही शख्स कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। अब मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है और अब उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तुम मेरे बारे में जो भी सोचना चाहते हो वो सोचो। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि इस यूनिवर्स के सैयन सर्वाइव कर सकें, पर विश्वास मानो, अगर मुझे लगता है कि तुम लोग उस चीज़ के लायक नहीं हो तो मैं खुद अपने हाथों से तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते बोलते वेजिटा एक बहुत ही खास टेक्निक दिखाता है जिसके वजह से उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और इस प्रेशर की वजह से सभी सैयंस और काबा हैरान रह जाते हैं। तभी एकदम से वेजिटा शांत हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मुझे अभी के अभी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मिलो। वेजिटा बाहर जा ही रहा होता है तभी एकदम से काबा उसे रोकता है। वो बोलता है, मास्टर, मेरे पास आपके लिए कुछ नए कपड़े हैं। वेजिटा ये बात सुन के हैरान होता है। काबा उसे कपड़े देता है और बोलता है कि वादोस ने ये मुझे दिए थे, ये आपके लिए एक गिफ्ट है वीस की तरफ से। वेजिटा शायद इन कपड़ों के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानता है। वो बोलता है कि लगता है समय आ गया है, मुझे इन कपड़ों को ट्राई करना होगा। इसके बाद वेजिटा बहुत ही खास तरीके के ईयरिंग्स पहनता है जो कि इसी यूनिफॉर्म का पार्ट होते हैं। वेजिटा को उन ईयरिंग्स में से एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है मॉर्टल डेवलपमेंट। इसके बाद वेजिटा अपनी यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ता है और उस यूनिफॉर्म को पहनने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि यूनिवर्स 6 के सैयंस मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक फोर्स होंगे। इसके बाद हम वेजिटा को एक बहुत नई तरीके की यूनिफॉर्म में देखते हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म की तरह लग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी सैयंस बाहर ट्रेनिंग एरिना में होते हैं जिसका नाम होता है सेडाला एरिना। वेजिटा सभी सैयंस को बताता है कि जितना मुझे लगता है तुम सैयंस यूनिवर्स 7 के सैयंस से एवोल्यूशन के मामले में आगे थे। आखिरकार हम सभी सैयंस एक हाइपर एवोल्यूशनरी रेस हैं। तो अब मेन बात करते हैं, सुपर सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन गुस्से से पाई जाती है, पर एक बारी अगर कोई सैयन सुपर सैयन में बदलने में कामयाब हो जाता है तो उस प्रोसेस को बार बार ही रिपीट किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। यूनिवर्स 7 के सभी सैयन के पास टेल्स थी और हमें उसकी ताकत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि यूनिवर्स 7 के सभी सैयन ग्रेट एप की ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सैयन की ताकत 10 गुना बढ़ जाती थी। पर यह यूनिवर्स 7 के सैयन की गलती थी। ग्रेट एप की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सैयन के सामने जो भी दिक्कत आती थी वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स 7 के सैयंस को कभी ज़्यादा ताकतवर बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस बात का रियलाइजेशन मुझे जब हुआ जब मैंने अपनी खुद की टेल को खो दिया। लगातार दिक्कतों का सामना करने की वजह से और मेरी ताकत लगातार बढ़ने की वजह से मेरी बॉडी इवॉल्व हुई और मेरी बॉडी को टेल की ताकत की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, क्योंकि अब समय आ गया था कि मेरी बॉडी सुपर सैयन बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी के सभी सैयन उसे देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा इसके बाद पावर डाउन कर लेता है और बोलता है कि काबा ने मुझे बताया कि यूनिवर्स 6 के सैयंस को पता ही नहीं है कि उनके पास पहले टेल्स हुआ करती थी, जिससे मुझे एक बात समझ आ गई कि यूनिवर्स 6 के सैयंस असेंड करने के लिए पहले से ही तैयार थे।
यूनिवर्स 6 के सैयंस की बॉडी ऑलरेडी सुपर सैयन में बदलने के लिए तैयार है और उसके आगे जाने के लिए भी। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन के आगे की फॉर्म्स को दिखाता है और एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर सैयन रेड में बदल जाता है। वो कहता है सैयंस इस फॉर्म को कहते हैं सुपर सैयन गॉड। ये हमारी डेस्टिनी है कि हम एक वॉरियर रेस की तरह इस फॉर्म को अचीव करें। इस फॉर्म को खुद मैंने अपनी ताकत से पाया है, जिसका मतलब यह है कि तुम भी इस फॉर्म को पा सकते हो। सभी के सभी सैयंस इस फॉर्म को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि सैयन एवोल्यूशन की नेक्स्ट स्टेज ये है। एक बार फिर से वेजिटा पावर डाउन कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि काबा ने तुम सभी को पहले ही पीछे छोड़ दिया है और उसके अकेले की ताकत तुम सभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। वेजिटा काबा को उसके सामने खड़ा होने के लिए बोलता है और बोलता है काबा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर सैयंस है तुम उनका सामना करो, वो भी अकेले। काबा सैयंस से लड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और वेजिटा को भी उससे यही उम्मीद थी, इसीलिए वो स्माइल करता है। इसके बाद काबा एरिना के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और 5 सैयंस उसके आसपास आके खड़े हो जाते हैं ताकि वो सब मिलके काबा से लड़ सके। वेजिटा बोलता है कि देखते हैं कि तुम सभी लोग क्या कर सकते हो। इसके बाद काबा फाइटिंग पोज ले लेता है और 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर सैयंस एकदम से काबा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। काबा सैयंस के अटैक्स को बहुत ही आराम से झेल लेता है और उनके अटैक्स को रोकने लग जाता है। उन सभी सैयंस से लड़ने में काबा को ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आ रही होती और वो सभी को पीटने लग जाता है। सभी सैयंस मिलके भी काबा का सामना नहीं कर पा रहे होते और काबा के अकेले की ताकत में सभी सैयंस में भारी पड़ रही होती है। वो बिना सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुए भी सबका सामना कर पा रहा होता है। इसके बाद सभी के सभी सैयंस काबा पर मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मिलकर वो काबा को हरा पाए। उनमें से कुछ सैयंस काबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाकी सभी सैयंस काबा पर अटैक कर रहे होते हैं, पर अचानक से ही काबा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब बाकी सभी सैयंस की ताकत काबा के सामने बिल्कुल बेकार है। काबा के सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि 4 सैयंस वैसे ही हार जाते हैं और सिर्फ 1 सैयन बाकी होता है। वो आखिरी सैयन काबा से लड़ने की पूरी कोशिश करता है और अपना फाइनल अटैक काबा पे करने वाला होता है। काबा उसे हराने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है, पर तभी वेजिटा बोलता है कि बहुत हो गया। काबा एकदम से रुक जाता है। वेजिटा बोलता है काबा मैं तुम्हें और बाकी सभी सैयंस को एक बात और बताना चाहता हूँ ताकि तुम वो गलती ना करो जो कि हम यूनिवर्स 7 के सैयंस ने करी थी। तुम सभी लोग ये ध्यान रखना कि तुम सुपर सैयन की फॉर्म पर ज़्यादा डिपेंड ना करो, वरना तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। यही गलती हमने ग्रेट एप की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करी थी। अगर तुम सुपर सैयन की फॉर्म का लगातार इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम उस पर डिपेंड हो जाओगे और अल्टीमेटली तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। अपनी बॉडी को लगातार फोर्स करते रहो और खुद को पुश करते रहो, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते रहो। इसी तरीके से मैंने ऐसी ताकत को पाया है जो कि आज गॉड्स का भी सामना कर सकती है। मैं लगातार दिक्कतों का सामना करता रहा और अपनी बॉडी को बार बार फोर्स करता रहा ताकि मेरी एवोल्यूशन कभी ना रुके। ये ट्रिक मैंने अपने एक पुराने दोस्त से सीखी है। अब तुम सभी लोगों को दिखाने का समय आ गया है कि तुम्हारी बॉडी किस चीज़ की कैपेबल है। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी की फैमिलीज होंगी, ऐसे लोग होंगे जिनकी तुम फिक्र करते हो। वेजिटा इसके बाद पावर डाउन कर लेता है। ऐसे लोग जिनकी तुम फिक्र करते हो ये तुम्हारे लिए पावर का एक बहुत ही महान सोर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम सभी को सजेशन दूंगा कि अपने अंदर झांक कर देखो। अगर तुम सभी लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए और अगर डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए तो मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे प्लैनेट को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते बोलते वेजिटा के चेहरे पे एक ईवल स्माइल होती है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। काबा ये देख के हैरान रह जाता है और बाकी सभी सैयंस समझ जाते हैं कि वेजिटा एक बहुत ही बड़ा खतरा है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वेजिटा यूनिवर्स 6 में इसलिए गया है ताकि वो प्लैनेट सैडाला को ख़त्म कर सके या फिर उसका कोई और प्लान है। तब तक दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें लगातार वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।